हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा नॉर्मल कूलर है। इसको हम हनीकॉम कूलर में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो लो, ये घास वाले में लटकने वगैरह का प्रॉब्लम होता है, इस वजह से मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ। ये देखिए, ये शटर खोल के देख रहा हूँ, ये देख लिए, ठीक है। और ये हनीकॉम लगा हुआ आपको पैड दिखा देता हूँ, ये है हनीकॉम लगा हुआ पैड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना घास का है, ना बदबू आता है, ना कुछ आता है। तो ये कैसे हम सेट कर सकते हैं आप देखना। सर, ये है हनीकॉम का जो बोर्ड है, ये कार्डबोर्ड का बना होता है, ठीक है। एक पैनल जो आता है 600 रुपये तक का आता है। अब हम इसको काट के कूलर में लगा लेते हैं, ठीक है। चलो आपको मैं दिखाता हूँ कैसे करते हैं। अभी पुराने कूलर में से जाली निकाल रहे हैं, ये घास निकाल के फेंक रहे हैं, तो ये तो हर कोई जानता है, इसलिए मैं इसको स्पीड अप कर रहा हूँ, वरना इसको बहुत टाइम लगेगा देखने में। फ्रेंड्स, ये देखो, मैं अभी ये ग्रिल को उसके सामने रख के एग्जैक्ट काटने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि बिल्कुल एग्जैक्ट कटे, ताकि कोई गलती ना हो। और मैं ये अकेला हो नहीं रहा था, तो पड़ोस में मेरी एक दोस्त थी, उनसे उसको बुलाया मैंने, वो मेरी मदद कर रही है इस चीज़ के लिए। ये देख लीजिए, अब ये पूरा कट गया है, ये पीस हम वापस रख देते हैं। और ये एग्जैक्ट अब इसको, इस पीस को रख के एकदम काट देना, क्योंकि जो आता है ये सीधा नहीं आता, तो थोड़ा बहुत हमें ट्रिमिंग वगैरह करना पड़ेगा उधर उधर। आप देखिए, मैं साइड की ट्रिमिंग वगैरह कर रहा हूँ। और अब आगे आता है ये करेक्ट, ये देखिए गैप आ रहा है, ये गैप के हिसाब से काटना पड़ेगा हमें। इसके सीध में रख के हम इम्प्रेशन लेके काटने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख लेना, मैं ये पूरा उसको ठीक कर रहा हूँ, थोड़ा मुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इस हिसाब से पूरा हम काट लेते हैं, जैसे जैसे मैंने किया आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ज़्यादातर दिक्कतें नहीं आएंगी। देखिए, अब काटना स्टार्ट करिए, काटना शुरू कर दिया है। देखो, ये सीधा ही काटना है बिल्कुल ही, और निशान लगा के सेट कर लेना, वरना आगे पीछे हो जाएगा तो फिर आपका हनीकॉम पैड बेकार हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल सावधानी से आप सेट कर लीजिए और इसको काट लीजिए। देखिए मैं कैसे निशान लगा रहा हूँ, चाकू वहाँ से निकल के आके देख लो। देखो, चाकू बिल्कुल एग्जैक्ट अभी मैंने सेट कर रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्ट करके सेट कर रहा हूँ, ताकि कोई बात थोड़ा बहुत भी टेढ़ा ना हो। थोड़ा टाइम लगेगा इस चीज़ के लिए, मगर आपके लिए थोड़ा टाइम देखो लगाना देना पड़ता है हमें इस चीज़ के लिए। देखो, इसको मुझे काटने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसके पीछे जो है ना ग्रिल अटक रहा था, एक एक तार अटक रहा था, तो इसलिए मैंने दूर करके आराम से बैठ के काट रहा हूँ। और उंगली का ध्यान रखना सबसे पहली बात, तो अगर उंगली कट गई तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है, तो इसलिए सेफ्टी एक मस्ट चीज़ है। देखिए, अब मैं ऊपर से भी काट देता हूँ, इसको काटते ही ये एक बिस्किट की तरह कट जाएगा, ठीक है। अब ये निकल चुका है, ठीक है। अब ये हमारे को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा काटा है, ताकि छोटा हो जाए दिक्कत हो जाता है, हमेशा बड़ा काटिए फिर छोटा करते जाइए, ताकि एग्जैक्ट फिटिंग आ जाए, एक देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दूसरी बार ट्रिमिंग करूँगा, जिससे इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फिटिंग आ जाए। देख लीजिए, प्रॉपर कट हो चुका है, ठीक है। ये पैनल नॉर्मल कूलर का था, इस वजह से अब हमने हनीकॉम लगाने की वजह से इसमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। ये नॉर्मल घास से थोड़े मोटे होते हैं, इस वजह से हमें साइड के जो है 1.5 इंची काट के आपको छोटा करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, मैं अभी काट के दिखाता हूँ। ये अगले वॉइस ओवर किया है मैंने इसमें, तो इसमें मेरा मलयालम में बनाया, ये हिंदी में बना रहा हूँ, ठीक है। तो ये हिंदी में है, तो ये देख लीजिए, मैं अभी 1 इंच 1.5 इंची काटने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे काटने से ही अंदर फिटिंग होगा। आप देखो, आ जाओ, ये देखो, ये जो हमारे दिख रहा है ब्लैक पोर्शन, वो अंदर में घुसा हुआ, ठीक है। उसके बाद जितने भी हिस्से हैं 1.5 इंची अंदर को काटना पड़ेगा, ठीक
वरना वो सेटिंग नहीं हो पाएगा, वरना ये कूलर के अंदर ही नहीं जा पाएगा। देख लीजिए आपके सामने मैं काट रहा हूँ, ठीक है। दे आधा इंची मैंने अंदर करके वो पूरा काट के निकाल दिया वो क्वेश्चन। थोड़े आराम से और सावधानी से काटना चाहिए, और ज़्यादा कट जाए तो ढीला हो सकता है कूलर से, फिर ढीला होकर निकल, ये पेपर होने की वजह से गल जाएगा, इसलिए आप ज़्यादा कटिंग ध्यान से ही कीजिए। आधा काट दिया है, आधा रखा है जो उस फ्रेम के अंदर घुस रहा है आपके सामने, ठीक है ना। ये अंदर फिट हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये कूलर के अंदर आराम से चला जाएगा इस काटने की वजह से, वरना आपके कूलर में ये जाएगा नहीं और फंस जाएगा। ये दोनों साइड हमें काटना पड़ेगा, ठीक है। देखिए मैं पलट के, अब मैंने पलट के अब दूसरे साइड भी काट रहा हूँ, और ये आराम से काट रहा हूँ, क्योंकि अगर ये थोड़ा बहुत भी अगर गलत हो गया तो लूज़ हो सकता है, तो जिस वजह से बेकार है। तो आप ध्यान से आराम काम कीजिए, कोई चीज़ की जल्दीबाजी मत कीजिए, क्योंकि एक बार ख़राब होने के बाद फिर बेकार हो जाता है। देखिए ये अब मैं सेट करने जा रहा हूँ, ये हमारा तार है, इस तार में बांध के हम सेट करेंगे पूरा, ठीक है। और ये जाली है, वैसे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं फिर भी लगा रहा हूँ ताकि एक सपोर्ट रहेगा, ठीक है। इसको आराम से देख के इसके कोने में हर एक जाली के काट के लगा दीजिए। देखिए जी बांध रहे हैं, ठीक है, ऐसे हर एक को आप सेट कर लेना। फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आप तार काट के जब भी बांधोगे तो इसके ग्रिल के पीछे साइड में जो ग्रिल दिख रहे हैं उसके सामने ही रखना, वरना ये ढीले होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और दूसरा, हाँ, इसको ज़्यादा टाइट नहीं बांध सकते, ज़्यादा टाइट बांधोगे पेपर होने की वजह से ये फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक बार एक जगह से फटने चालू हो जाए तो गलते हैं, वरना इसमें कोई नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जहाँ से हमने काटा है वहाँ से गलेगा नहीं, कुछ भी नहीं है, कहीं दबना नहीं चाहिए। और ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जल जाता है, एक बार आप लगाओगे मेरे ख्याल से 4.5 से 5 साल चलता है। फ्रेंड्स ये सारा पैनल हो चुका है, देख सकते हैं, अब यह हम कूलर में लगाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए बिना कोई प्रॉब्लम के लग रहा है, ये लो आपके सामने ये फिट हो चुका है, ठीक है। ये आपके सामने है, मैंने जो आपसे कहा था साइड में 1 इंची आधा इंची काटना पड़ेगा करके, मैंने आधा इंची काटने की वजह से अंदर से आराम से फिटिंग आ चुका है, देख सकते हैं आप इसे, ठीक है। अब मैंने ये कूलर में फिटिंग कर दिया है, अब अगला पानी चालू हो जाएगा देख लेना, उसके बाद ये ठंडक देता नॉर्मल घास वाले से। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को भेजना। थैंक यू दोस्तों, ऐसी और वीडियो के लिए मेरे को सपोर्ट करना।